आज जहां विपक्ष हैरान परेशान नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर गुड़ा भाग कर रही। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके संपर्क में जल्द से जल्द वहां मध्य प्रदेश में भी सरकार बना लेंगे। बीजेपी कांग्रेस के जले में नमक डालने का काम कर रही, तो वहीं कांग्रेस को इसका खंडन कर रही। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता तो पहले से ही दावा करते रहे हैं सरकार अल्पमत में है और कभी भी गिर सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की चिट्ठी से प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। गोपाल भार्गव ने राज्य के राज्यपाल को लिखा कि मध्य प्रदेश की सरकार अल्पमत में है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण करवाया जाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। फिर क्या था, प्रदेश का सियासी टेम्परेचर और बढ़ गया। बीजेपी नेताओं के दावे पर सीएम कमलनाथ खुद जवाब देने आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पहले ही दिन से कोशिश कर रहे हैं, पिछले 5 महीनों में 4 बार बहुमत साबित कर चुके हैं, वो लोग इसे फिर से कराना चाहते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, खुद को बचाने के लिए वो लोग वर्तमान सरकार को परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार तैयार है। इस पर हंस रहे हैं, बोले इनमें हकीकत सच्चाई जमीन की स्थिति से इनका कोई संबंध नहीं है। मैंने बाकी नेताओं से बात करी है, अन्य प्रदेशों के नेताओं से बात करी है, वो सब इस पर हंस रहे हैं। पिछले 5 महीनों में चार दफे हमने अपनी बहुमत सिद्ध करी है, अध्यक्ष के चुनाव में, उपाध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के समय, बजट के समय जो हम बजट लाए, 4 दफे तो कर दी, ये फिर से चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री रहे कैलाश विजयवर्गीय रविवार को इंदौर में वोट डालने आए थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा है कि वो मध्य प्रदेश में 29 में से 22 सीटें जीतने वाले हैं, इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो 20 से 22 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। ये हमारी कृपा से सरकार चल रही है। जिस दिन ऊपर से बॉस का इशारा हो जाएगा ना, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। कांग्रेस को कुल 114 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, 4 निर्दलीय को, बसपा को 2 और सपा को 1 सीट मिली थी। कमलनाथ सरकार को निर्दलीय, बसपा और सपा विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि कई बार बसपा और सपा विधायकों की नाराजगी भी सामने आई, जिसके बाद कमलनाथ ने उसे दूर भी कर दिया। लेकिन अब बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश में है। अगर बीजेपी को एग्जिट पोल के मुताबिक बंपर सीटें मिलती हैं, तो फिर बीजेपी की अगली रणनीति कमलनाथ सरकार को गिराने की होगी, क्योंकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए महज 6 सीटें और चाहिए, और बीजेपी दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी के इन दावों में कितना दम है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, के न्यूज इंडिया।